हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में मैं आपके लिए लाई हूँ ये झटपट इंस्टेंट ढोकला, जो खाने में बहुत ही टेस्टी, हल्का खट्टा मीठा और जूसी है। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है फुल प्रूफ के साथ। अगर आप सेम मेजरमेंट मेरा डालेंगे, आपका ढोकला नहीं बिगड़ेगा। ढोकला बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बर्तन में लेंगे 2 कप बेसन, और यहाँ मेरा 2 कप का जो मेजरमेंट है वो टोटल है 250 ग्राम। यहाँ मैंने 250 ग्राम बेसन लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, जो सबसे छोटा चम्मच रहता है, 1/4 टीएसपी मैंने यहाँ पे लिया है हल्दी। एक चम्मच चीनी, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। यहाँ मैंने 1 चम्मच नमक लिया है। दो चम्मच रिफाइन ऑयल, और इसमें हम निचोड़ेंगे 1.5 नींबू का रस। नींबू के बीज निकाल लें पहले। डेढ़ नींबू निचोड़ने के बाद इसको हम पहले पानी डाल के इसका एक बैटर बना लेंगे। बैटर हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है और बहुत गाढ़ा भी नहीं रखना है। उसकी कंसिस्टेंसी रिबन के जैसी गिरनी चाहिए। इसका एक अच्छा स्मूथ बैटर बना ले, लम्स फ्री, उसमें बेसन की गुठलियाँ ना रहें। यहाँ मेरा 1 ग्लास पानी लग चुका है, इसमें थोड़ा सा और लगेगा पानी। आप इस बैटर को हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ कर रही हूँ, ताकि इससे जल्दी फिट जाएगा और अच्छा बैटर रेडी हो जाएगा। ये देखिए, जो मेरा इसमें 1.5 ग्लास पानी लग गया है, और इसकी कंसिस्टेंसी हमें कुछ इस तरीके की चाहिए। और सबसे लास्ट में इसमें मैं मिलाऊंगी इनो। इनो मैंने पहले नहीं मिलाया था, वरना इसको फेंटने में उसके जो बबल्स है वो एक्टिवेट होते, वो फेंटने के बाद जल्दी ख़त्म हो जाते और हमारा जो ये ढोकला बनेगा वो ज़्यादा फ्लफी नहीं हो पाता। इनो के लिए यहाँ तो मैंने अभी लेमन फ्लेवर यूज़ किया है, पर अगर आपको नॉर्मल सॉल्ट फ्लेवर वाला प्लेन मिलता है तो आप वो यूज़ करें, या फिर ये लेमन फ्लेवर यूज़ करें। यहाँ मैंने 1 चम्मच लिया है इनो। इसको हम एक बार बस इस तरीके से फेंट लेंगे। और 7 इंच का ये टिन है, इस टिन को मैंने तेल से ग्रीस कर लिया है, और उसमें मैं ये बैटर डालूंगी। इनो डालने के बाद हमें बैटर को बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, इसलिए मैंने पहले ही बैटर को अच्छे से मिक्स कर लिया था और लास्ट में इनो डाला था। और जब तक आप ये बैटर रेडी करें, एक पतीले में पानी गर्म होने के लिए रखेंगे। जब तक ये बैटर रेडी हो रहा था, मैंने यहाँ पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। उसके बीच में हम डालेंगे कोई स्टैंड, जिससे हमारा ये जो टिन है वो पानी में ना डूबे, और इसमें पानी डाल के
इसको मैं ढक दूंगी प्लेट से और तेज़ आंच पे, आपको आंच कम नहीं करनी है, इसको ढक के तेज़ आंच पे लगभग 20 मिनट इसको उबालना है और 20 मिनट बाद हम चेक करेंगे कि हमारा ढोकला रेडी है या नहीं। और जब तक हमारा ढोकला बन रहा है तब तक हम उसके लिए सोकिंग जो पानी रहेगा ढोकले का उसको रेडी करते हैं। कढ़ाई में मैं यहाँ डालूंगी 1 चम्मच तेल, 1 से 1.5 चम्मच तेल है ये। और तेल गरम होने के बाद इसमें डालेंगे हम राई, 5-6 करी पत्ता और हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मैंने बीच में से कट कर ली थी। इसमें हम डालेंगे पानी, पानी हमें इतना ही लेना है जितने में हमें अपना ढोकले को सोक करना है, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं लेना है। यहाँ मैंने 1.5 गिलास पानी लिया है। थोड़ा सा नमक, नमक हम थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि ढोकले में हम नमक डाल चुके हैं। साथ ही 2 से 3 चम्मच चीनी, इसमें मैं हल्की सी हल्दी भी डालूंगी, चुटकी भर हल्दी। और इसको हमें अभी तब तक उबालना है कि ये अच्छे से उबल के थोड़ा सा पानी इसका कम हो जाए। ढोकले का पानी हमारा रेडी हो चुका है, ये थोड़ा सा कम हो गया है। इसका मैं करती हूँ गैस की फ्लेम बंद और इसको अब हम ठंडा होने देंगे, तब तक हमारा ढोकला भी पक रहा है। और 20 मिनट बाद इसको हम चेक करेंगे कि हमारा ढोकला रेडी है या नहीं। पानी की क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा रखें, कहीं ऐसा ना हो कि 20 मिनट उबलते उबलते पानी कम हो जाए। तो इसमें हम टूथपिक डाल के देखेंगे, अगर टूथपिक क्लीन निकल के आती है इसका मतलब है कि हमारा ढोकला रेडी हो चुका है। अगर उसमें गीला गीला अगर लगेगा, बिल्कुल क्रम्स कुछ भी बेसन के, तो इसका मतलब है कि रेडी नहीं है। तो यहाँ मेरा टूथपिक देखिए एकदम क्लीन निकला है, तो मैं इस टिन को बाहर निकाल लेती हूँ गैस की फ्लेम ऑफ करके। ये बेक होने के बाद हमें इसको टिन को ढक के नहीं छोड़ना है, वरना एक प्लेट के ऊपर जो भाप थी उसकी वजह से हमारा ढोकला वो थोड़ा गीला हो जाएगा और नीचे बैठ जाएगा। और इसको अब हम पहले पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसको टिन से निकालेंगे। ढोकला मेरा ठंडा हो चुका है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है ये, पर हाँ हल्का। और ठंडा होने के बाद ये अपने आप ही साइड्स छोड़ देता है, और अगर नहीं भी छोड़े तो आप इसको एक प्लेट में पलट लें और टैप करने से ही वो निकल जाएगा। पर मेरा यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे से ये निकल चुका है और ये ढोकला हमारा बनके रेडी है। हालांकि अभी ये गर्म है, पर मैं इसके पीसेस कट कर देती हूँ। ये देखिए अंदर से भी कितना अच्छा बेक हुआ है ये एकदम। इनको आप अपना जैसे चाहे वैसे पीस कट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा बेक हुआ है ये। गरम है फिर भी आप देख सकते हैं ये दबाने के बाद ये बहुत अच्छा ऊपर उठ जा रहा है। और इसके ऊपर अब हम डालेंगे हमारा ढोकले का जो हमने पानी तैयार किया था। इसमें जब हमारा ढोकला थोड़ी देर सोक होगा तो वो और सॉफ्ट हो जाएगा और थोड़ा सा जूसी हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा धनिया पत्ते से डेकोरेट करेंगे और इसको अब हम डालेंगे फ्रिज में 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए। थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो आप ये झटपट इंस्टेंट ढोकला एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।